लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मंदिर के बाहर गिरफ्तार किए गए खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे ने गुरुवार को पुलिस से कहा कि उसने मारे गए पुलिस कर्मियों के शवों को एक कुएं में फेंक दिया था। साक्ष्य नष्ट करने के लिए शवों को जलाने की भी उन मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मंदिर के बाहर गिरफ्तार किए गए खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे ने गुरुवार को पुलिस से कहा कि उसने मारे गए पुलिस कर्मियों के शवों को एक कुएं में फेंक दिया था। साक्ष्य नष्ट करने के लिए शवों को जलाने की भी उनकी योजना थी। हालांकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए जगह से भाग गया। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए कहा था। उसने कहा कि उसे जानकारी मिली थी कि छापेमारी सुबह होगी, लेकिन रात में ही पुलिस आ गई। उसने यह भी खुलासा किया कि कानपुर में छापे के बारे में पुलिस सूत्रों से उसे टिप मिली थी। लगभग 6 दिनों तक लुका छिपी खेलने के बाद विकास दुबे को गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने आगे खुलासा किया कि उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी की क्योंकि उस डर था कि उसके साथ मुठभेड़ करने के लिए बल आ रहा है। उसने फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया। सुरक्षा गार्ड को बताया कि उसका नाम शुभम है और उज्जैन में मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने के लिए दुबे ने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए ₹250 की एक VIP टिकट खरीदी थी। बाद में उसने स्वीकार किया कि वे वास्तव में विकास दुबे थे।